गाइज कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ प्रियंका सिंह, वेलकम बैक प्रियंका की दुनिया। अभी सिप्पू बिल्कुल भी नहीं सोना चाह रही है। अभी से प्ले करना है और मैं कह रही हूँ कि तुम सो जाओ, तो भी फिर भी नहीं सोने आ रही है मेरे पास। और मैं नाइट के 12:30 बजे आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मॉर्निंग और आफ्टरनून में बनाती हूँ। नींद इससे नहीं आ रही और इसके साथ मैं नहीं सो रही, तो मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोग से बातें कर लूँ और नाइट में ही ब्लॉग शूट करूँ। मैं आपको दिखाऊँ कि बच्चे को कारण हम लोग का शेड्यूल हम लोग का कितना गड़बड़ हो जाता है। बच्चे तो नाइट में लेट सोते हैं स्कूल बंद होने के कारण, और सुबह मॉर्निंग लेट उठते हैं। लेकिन अभी जी क्लास जाते हैं तो उनके लिए मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है कि उनको टाइम से उनको ब्रेकफास्ट दे दूँ। और मॉर्निंग का काम भी घर का बहुत होता है, तो इसलिए अभी और जल्दी उठनी पड़ती है कि टाइम से सारा काम फिनिश हो जाए हम लोग का भी, फिर हम लोग भी थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकाल पाए। और सिब्बू चलो सोने चलते बेटा। अरे कल खेल लेना, 12:30 बजे कौन खेलता है? मैं खेलूंगा। ये खेलती है 12:30 बजे। मुझे रैकेट तोड़ने दिया, ये हैरी पैर तो मुझे बहुत क्यूट लगा। का आवाज सुन रहे होंगे कि ये भी डैडी के साथ खेल रही है। मुझे बहुत ही एनर्जेटिक है, बिल्कुल भी नींद नहीं है इसे। और अब देखते हैं कि कब नाइट में सोती है। सुबह खाऊंगी जरूर, ये मॉर्निंग तो उठती कब है। बिल्कुल बहुत क्यूट है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरह क्यूट है। लेकिन वो डैडी सो गया है, तुम जगी हुई हो। उठा हुआ है ये पता है, रूटीन तो देख ही रहे हैं। बिल्कुल भी सोना नहीं चाह रही अभी। कैसे मैं इसको सुलाऊंगी? मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है इसको सुलाना भी नाइट को। इसको खिलाना भी बहुत बड़ा टास्क है और सुलाना भी बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि ये सोती नहीं है। नाइट में लाइट भी बंद कर दूंगी मैं तो मेरे आँख पर ही सोती है, और आँख पर सोते समय इतनी सारी बातें करती है कि मैं सो जाती हूँ ये जगी रहती है। ये देखिए सिब्बू अभी डांस कर रही है, सारी मस्ती सूझ रही है अभी से। मस्ती करने का मन कर रहा है और बिल्कुल भी सोना नहीं चाह रही है। सिब्बू चलो सोने, पहले बताओ मेरा डांस कैसा है? डांस हाँ। अच्छा है बाबा, अब तो चलो सोने। सीट भी सो गया है और इसके पापा भी सो गए हैं, लेकिन इसे मैं कह रही हूँ सोने के लिए तो ये सोने नहीं जा रही है मेरे साथ। और सिब्बू अभी टैडी के साथ खेल रही है, मजे कर रही है, मस्ती कर रही है। सिब्बू प्लीज चलो बेटा सो जाते हैं, प्लीज बेटा सो जाओ ना, सुबह मॉर्निंग में तो मुझे भी उठना पड़ता है। ये देख रहे हैं सिब्बू, सिब्बू बिल्कुल भी सोने नहीं जा रही मेरे साथ। मैं से बोल भी रही तो फिर भी नहीं जा रही है। इसे अभी खेलना है टैडी के साथ, पिंक कलर। इसका जो पिंक कलर का टैडी है ना, इसका फेवरेट टैडी है, और इसके साथ ये खूब मजे करती है, खूब खेलती है। ये 3 ईयर्स की थी तो मैंने इसे ये टैडी गिफ्ट किया था, और इस टैडी को बहुत संभाल के रखती है, बहुत ध्यान से रखती है, इसके साथ प्ले करती है। अच्छा ये आपका स्टूडेंट्स है, देख रहे हैं? देख रहे, बिल्कुल भी नहीं सोना चाहती है, बिल्कुल भी नहीं सो रही है ये। तो कह भी रही हूँ फिर भी नहीं आ रही मेरे पास सोने के लिए। अभी नाइट के 2 बज रहे हैं, अब जाके मेरी सिब्बू सोई है। बड़ी मेहनत से मैंने इसे सुलाया है कि मॉर्निंग मुझे भी उठना होता है समय से। तो अब मैं भी जा रही हूँ सोने लाइट बंद करके। तो अब मैं लाइट बंद कर रही हूँ, नहीं तो गुड नाइट। हेलो गाइस, सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि सिब्बू भी सो रही है। और मैं अभी उठ के अपनी पूरी मॉर्निंग का जो रूटीन होती है मेरी, अभी उसे मेरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए सिब्बू मेरी सो रही है, ये देखिए सिब्बू अभी सो रही है। अब मैं उठ के बालकनी में जा रही हूँ, जो सुबह की जो ठंडी हवा जो चलती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो ठंडी हवा लेने जा रही हूँ। मैं ठंडी हवा लेने जा रही हूँ बालकनी में। ये देखिए सुबह की जो ये हवा जो बॉडी में लगती है ना और फेस पे जो लगती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देख देख, मॉर्निंग में भजन भी चल रही है।
आज मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, कितना अच्छा मॉर्निंग है। अब मैं किचन में आ गई हूँ और गैस पे पानी चढ़ाऊंगी पीने के लिए। अब मेरी पानी गर्म हो गई और मैं पानी पी रही हूँ। जिम जा रहे हैं अभी जी? वही तो जिम जाऊँ। कितने बजे तक आइएगा? ठीक है, क्या ब्रेकफास्ट पे क्या खाएंगे? जूस लूँगा बस। अच्छा ठीक है, लाल का पराठा बना रही हूँ। नहीं आप लोग खाना, मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, ये देखिए माता रानी का जय जयकार हो रहा है मेरे घर में, मेरे हस्बैंड जय जयकार कर रहे हैं। माता रानी आने वाली है ना, इसलिए हम लोग उनका पहले से आगमन का स्वागत कर रहे हैं उनका। इसलिए माता रानी का जय जयकार हो रहा है। जय माता रानी, जय माता, जय माता, जय माता रानी, जय माता। हाय गाइज, सिब्बू अब उठ गई है और समय हो रहा है 10 बज रहे हैं घड़ी में, और अब जाके सिब्बू उठ गई है और दीदी के गोदी में झूम रही है, घूम मजिस में मस्ती कर रही है और दीदी को कह रही है कि आज टेलर स्विफ्ट का गाना सुनना है। तब देखते हैं ये क्या क्या करती है अभी से उठ के। सिब्बू ब्रश की हो? उठती दीदी के गोदी में आ गई हो? अच्छा, जाके ब्रश करो। नहीं, नहीं? क्यों नहीं। उठो सिब्बू, कुछ नहीं है सिब्बू, ब्रश करने जाओ। नहीं, नहीं? खानी खाना आपको पता है मम्मा क्या बना दिया? क्या? आलू पराठा। ओके 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 ओके, हमें जल्दी जल्दी रेडी होना। आलू पराठा नहीं खाना? सिब्बू आलू पराठा खा सके, सिब्बू का फेवरेट है ना। सिब्बू आलू पराठा नहीं खाना? नहीं खाना है? बोलो हाँ या ना। ना तो क्या खाओगी? मैं तो वही बना रही हूँ। ठीक है, तो जाओ ब्रश करो, फ्रेश हो, हेयर कॉम करो। ठीक है, मैं उठ रही हूँ ना, तभी शिबू जाएगी। हाँ शिबू, चलो चलो। अच्छा दीदी ब्रश करवाएगी, खुद से नहीं करोगी? ये सब कुछ खुद से करता है, ये सब कुछ खुद से करता है। खुद से करना, ठीक है, खुद से करना है। 10 बजे उठ के मेरे पास आई है। आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी भांजी को डॉक्टर के पास ले जाना है, आज उसका अपॉइंटमेंट मैंने लिया है। तो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।